हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको सी में पॉइंटर पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमने कल फंक्शन में कहा था कि अगर आपको पॉइंटर आता हो तो आप फंक्शन में पैरामीटर में पॉइंटर भी पास कर सकते हैं। तो पॉइंटर क्या है, चलिए जानते हैं। सम सी प्रोग्रामिंग टास्क आर परफॉर्म मोर इजिली विथ पॉइंटर। कुछ काम जो है हम पॉइंटर से ज़्यादा इजिली कर सकते हैं। कब? देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज देयर विच कैनॉट परफॉर्म विदाउट यूजिंग पॉइंटर, सो इट बिकम नेसेसरी टू लर्न पॉइंटर टू बिकम अ परफेक्ट सी प्रोग्राम। एज यू नो, एवरी वेरिएबल हैज इट्स मेमोरी लोकेशन एंड एवरी मेमोरी लोकेशन हैज इट्स एड्रेस डिफाइंड विच कैन बी एक्सेस यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर विच डिनोट्स एन एड्रेस इन मेमोरी। हर वेरिएबल का एक लोकेशन होती है मेमोरी लोकेशन, और हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। एड्रेस को हम एम्परसेंड से डिफाइन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच प्रिंट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल डिफाइन। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम एड्रेस को प्रिंट कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट और करेक्टर। int v1 और character v2 10। v2 10 एक array है character type की, और int एक integer variable है। जब हम उसका address print करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, scanf के समय हम लोग ampersand use करते थे, यहाँ पर ampersand हम print के समय use कर रहे हैं v1 के आगे। तो वो v1 का address hexadecimal में print कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने percent x दे रखा है, और v2 को हेक्साडेसिमल में प्रिंट कर रहा है जो FFEA दे देगा। अब हम ये जानते हैं कि पॉइंटर एक्चुअली में होता क्या है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दैट इज डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक वेरिएबल का एड्रेस जब हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो जो वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करता है वो पॉइंटर होता है। Like any variable or constant, you must declare a pointer before using it to store any variable address. So pointer is the variable which point another variable. तो pointer एक ऐसा variable है जो दूसरे variable को point करता है और उसके address को store करता है। अब pointer को declare हम कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले variable type देना पड़ेगा, star देना पड़ेगा, फिर variable name देना पड़ेगा। Here type is a pointer base type. It must be a valid C data type and where name is the name of the pointer variable. The asterisk used to declare a pointer is the same asterisk used for multiplication. जो हम multiplication के समय asterisk लेते हैं वही asterisk हम pointer के लिए use करते हैं। However, in this statement, asterisk is being used to designate a variable as a pointer. Unary pointer operator is asterisk is also called as a value at address or indirection operator. Value of address करता है या indirection operator कहलाता है। और asterisk को हम use करके pointer variable को define करते हैं जो multiplication के लिए use होता है। Take a look at some valid pointer declaration. अब वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन क्या है, डेटा टाइप इन डबल फ्लोट करेक्टर में से कुछ हो जाएगा और वेरिएबल के आगे स्टार लग जाएगा जो भी वेरिएबल लग जाएगा। द एक्चुअल डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑल पॉइंटर वेदर इंटीजर फ्लोट करेक्टर और अदरवाइज इज द सेम एज लॉन्ग हेक्साडेसिमल नंबर दैट रिप्रेजेंट अ मेमोरी एड्रेस। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पॉइंटर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दैट पॉइंट द पॉइंट टू। अब उसके लिए जिस टाइप का आप वेरिएबल को एड्रेस कर रहे हैं उसी टाइप का पॉइंटर डिफाइन किया जाएगा। अब पॉइंटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम विल बी फास्टर एज डेटा इज मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एड्रेस डायरेक्टली। क्योंकि एड्रेस हम यूज़ करते हैं इसलिए इसका टाइम जो होता है एग्जीक्यूशन का रिड्यूस हो जाता है। मेमोरी सेव करता है और मेमोरी एक्सेस विल बी वेरी एफिशिएंट। डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड और रनिंग के समय मेमोरी एलोकेट होती है, तो मेमोरी कम लगती है, उसका टाइम कम लगता है और उसका एक्सेस फास्ट होता है। हाउ टू यूज अ पॉइंटर, देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विच वी विल डू
with the help of pointer very frequently. We define a pointer variable, assign address of variable to a pointer, and finally access the value at the different address available in the pointer variable. अभी हमने बताया कि इसमें पहले एड्रेस स्टोर करते हैं, फिर उस वेरिएबल को पॉइंट करते हैं, जिस डेटा टाइप का होता है उसी टाइप का पॉइंटर बनाते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग यूनरी ऑपरेटर स्टार दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑपरेंड, और स्टार से इसको डिनोट करते हैं. अब कैसे इसको करते हैं, चलिए प्रोग्राम से समझते हैं कि कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं. डायरेक्ट जैसे हम जनरल वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर देते हैं, पॉइंटर में उस तरह से हम उसको असाइन नहीं कर सकते. इंट वेर इक्वल्स टू 10, जब हम 10 लेते हैं तो वेरिएबल में 10 वैल्यू चली जाती है. इंट स्टार आईपी करेंगे तो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन उसमें वैल्यू डायरेक्ट आईपी इक्वल्स टू स्टार आईपी इक्वल्स टू 10 हम नहीं लिख सकते. हम इसको लिखेंगे आईपी इक्वल्स टू एम्परसेंट वैल्यू, वेर विच इज अ प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू इन पॉइंटर. तो आईपी में हमारा वेर चला कि एड्रेस चला जाएगा. अब हम एड्रेस प्रिंट करेंगे तो देखिएगा कैसे आएगा. एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल परसेंट एक्स, तो हमने हेक्साडेसिमल में वेरिएबल का बार का एड्रेस प्रिंट किया तो ये FFE8 आ गया. फिर हमने प्रिंट किया एड्रेस स्टोर इन आईपी वेरिएबल, तो आईपी वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है. आईपी क्यों लिया हमने, सिंपल आईपी लेंगे तो एड्रेस प्रिंट करेगा, लेकिन जब हम स्टार आईपी प्रिंट करेंगे तो वेरिएबल वेर का 10 वैल्यू जो होगा वो पॉइंटर प्रिंट कर देगा. दैट मीन्स कि पॉइंट जब स्टार लगा होगा तब तो वैल्यू प्रिंट होगा, और जब स्टार नहीं लगा होगा तो एड्रेस प्रिंट होगा जो वेरिएबल वेर का स्टोर है आईपी में. इसको हम पिक्चर से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा. देखिए वेरिएबल में एक मेमोरी खुली जिसमें 10 स्टोर है और उसका एड्रेस FFE8 है. अब उस वैल्यू ये वेरिएबल हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई और इसका एड्रेस हो गया. अब ये एड्रेस हमारा आईपी नाम के पॉइंटर में स्टोर हो गया. आईपी नाम के पॉइंटर का एड्रेस भी यहाँ पर होगा. ये आईपी जो है पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है वेरिएबल वेर को और इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है. तो जब इसको पॉइंट कर रहा है तो जब हम आईपी प्रिंट करेंगे तब तो FFE8 प्रिंट होगा, लेकिन जब हम स्टार लगा के आईपी करेंगे तो वो 10 को प्रिंट करेगा क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है वेर को. तो इस तरह से आप समझिए कि दो वेरिएबल पॉइंटर का है ये जो है आपका उस समय क्रिएट होगा जब डायनेमिक कामा पॉइंटर यूज करिएगा. अब हम लोग चलते हैं नल पॉइंटर पे. अब नल पॉइंटर क्या होता है, नल मींस जो कुछ भी ना हो. इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू असाइन अ नल वैल्यू टू अ पॉइंटर वेरिएबल इन केस यू डू नॉट हैव अ एग्जैक्ट एड्रेस टू बी असाइंड. दिस इज डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. अ पॉइंटर दैट इज असाइंड नल इज कॉल्ड नल पॉइंटर. जब हमको प्रॉपर वेरिएबल किसको पॉइंट करना है नहीं पता है और एग्जैक्ट एड्रेस जो नहीं पता है तो हम नल पॉइंटर डिफाइन करते हैं. अब नल पॉइंटर कैसे डिफाइन करते हैं इसको देखते हैं. द नल पॉइंटर इज अ कॉन्स्टेंट विथ अ वैल्यू ऑफ जीरो डिफाइंड इन अ सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज. कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम. अब यहाँ पे मेन लिया स्टार PTR किया इक्वल्स टू नल कर दिया. प्रिंट द वैल्यू ऑफ PTR इज परसेंट एक्स \n PTR. अब हम जब PTR प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू क्या देगा आपको, जीरो दे देगा. क्यों, क्योंकि नल पॉइंटर की वैल्यू जो एड्रेस होता है वो जीरो होता है. इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स आर नॉट परमिटेड टू एक्सेस मेमोरी एट एड्रेस जीरो, क्योंकि नल पॉइंटर का एड्रेस जीरो होता है बिकॉज दैट मेमोरी इज रिजर्व बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम.
क्यों नहीं इसको हम लोग यूज करते, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रिजर्व रहता है। हाउ एवर द मेमोरी एड्रेस जीरो हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, इट सिग्नल्स दैट पॉइंटर इज नॉट इंटेंडेड टू पॉइंट टू द एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन, बट बाई कन्वेंशन द पॉइंटर कंटेन द नल जीरो वैल्यू, इट इज असीम टू बी पॉइंट टू नथिंग। तो जब हमको कुछ पता नहीं रहता कि किस वेरिएबल को हमें पॉइंट करना है, तो उसको नल से असाइन करते हैं। नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, तो इसलिए हम कन्वेंशनली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व होता है। तो अब यहाँ पे अब हम प्रिंट करके नल वैल्यू देखेंगे कैसे है कि नहीं है। टू चेक द नल पॉइंटर यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट एज फॉलोज, इफ पी टी आर सक्सीड इफ पी इज नॉट नल, इफ नॉट पी टी आर सक्सीड इफ पी इज नल। अगर नल होगा तो नॉट पी टी आर लेगा, और अगर नल नहीं है तो पी टी आर लेगा। तो वो चेक कर लेगा कि पॉइंटर नल है कि नहीं है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर, अब पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसको भी एक दूसरा वेरिएबल अगर पॉइंट करेगा तो उसको पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। अ वेरिएबल दैट इज पॉइंटर टू द पॉइंटर मस्ट बी डिक्लेयर एज सच, दिस इज डन बाय प्लेसिंग एडिशनल एस्टरिस्क इन फ्रंट ऑफ इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग डिक्लेरेशन डिक्लेयर्स अ पॉइंटर टू पॉइंटर ऑफ टाइप इंट। अब पॉइंटर को भी पॉइंट करने के लिए जब एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो उसमें दो एस्ट्रिक्स लगते हैं। व्हेन अ टारगेट वैल्यू इज इनडायरेक्टली पॉइंटेड टू बाय अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, एक्सेसिंग दैट वैल्यू रिक्वायर्स दैट एस्ट्रिक्स ऑपरेटर बी अप्लाइड ट्वाइस एज इज शोन बिलो इन एग्जाम्पल। अब देखिए समझिए इसको, ये और टिपिकल हो गया पॉइंटर में। सबसे पहले मेन आएगा वेरिएबल वेर डिफाइन किया, पीटीआर हमने डिफाइन किया था पिछली बार, सेम ढंग से हम यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे। लेकिन अब जब दूसरा पॉइंटर यूज करेंगे तो उसमें डबल स्टार लगा देंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर। टेक द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, आप सबसे पहले वाले पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर करेंगे वेरिएबल का। अब वेरिएबल का जब दूसरा पॉइंटर बनाएंगे तो पॉइंटर में PTR वाले पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर लेंगे। तो PPTR जो है वो PTR को पॉइंट कर रहा है, और PTR जो है वो वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है वेर को। और अब जब प्रिंट करेंगे printf परसेंट डी वेर, तो वेर में क्या है 100 प्रिंट हो जाएगा। और फिर जब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू अवेलेबल एट स्टार PTR, तो वो ये क्या करेगा फिर 100 प्रिंट कर देगा। और फिर जब हम फिर प्रिंट करेंगे स्टार स्टार PTR, तो वो फिर 100 प्रिंट कर देगा। तो मतलब PPTR जो है वो PTR को पॉइंट कर रहा है, और PTR जो है वो वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो डबल पॉइंटर हम यूज करते हैं। अब उसका यूज आगे कैसे हम करेंगे वो जब हम एडवांस चीजें पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब यहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर को कैसे हम डिनोट करते हैं चलिए देखते हैं। पहले वेरिएबल में 100 स्टोर है, उसका एड्रेस 65524 है, जो स्टोर हुआ पीटीआर में 65524। पीटीआर का एड्रेस है 65522। अब ये देखिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 4 से ये 2 हो गया। अब 2 से ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से दो दो बाइट्स का डिफरेंस पे एड्रेस जनरेट होगा। अब ये एड्रेस हमने पीपीटीआर में स्टोर कर दिया, तो अब ये क्या करेगा यहाँ से PPTR पॉइंट करेगा PTR को, PTR पॉइंट करेगा वेरिएबल को और वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अब इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है। तो कैरेक्टर में 1 बाइट, दैट मींस 8 बिट होती है, इंटीजर में 2 बाइट और फ्लोट में 4 बाइट होती है। यहाँ देखिए इंटीजर वैल्यू है, इसलिए 65524 जो है 65522 हो गया, फिर 65520 हो गया। तो इंटीजर वैल्यू में एड्रेस जो है वो दो दो बाइट से कम होता जा रहा है। अगर करेक्टर होता यहाँ तो एक एक बाइट से होता, और फ्लोट होता तो 4 बाइट से प्लस माइनस जो भी एड्रेस मिलता उसको वो ले। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, आई थिंक द पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आगे
बहुत सी चीज़ें अभी पॉइंटर में पढ़ानी है कि इसमें अर्थमेटिक कैसे होती है, इसमें पॉइंटर एरे में कैसे जाता है, पॉइंटर फंक्शन में कैसे जाता है। अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब and share to your friend if they are interested to learn the C language. On demand, I am creating this tutorial. So thank you.